माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु प्रोफेसर केजी सुरेश जी मेरे अग्रज हैं, पत्रकारिता में, एकेडमिक्स में वरिष्ठ हैं। इनसे बहुत चीज़ें हमने आज सीखी हैं। वास्तव में जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो मैंने आग्रह किया था राकेश रयाल जी से कि इस बार प्रोफेसर केजी सुरेश जी को सुनने के लिए ज़रूर बुलाना चाहिए, और मैं यहाँ पर वास्तव में केजी सुरेश जी को सुनने आया हूँ। अब मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर मुझे भी एक वक्ता के नाते खड़ा कर दिया जाएगा। खैर, इस कार्यक्रम में बहुत सारे वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। प्रोफेसर पीडी पंत जी हैं, एनएस बनकोटी जी हैं, प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी हैं, राकेश रयाल जी हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं। मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले इस सभागार में जितने भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक विराजमान हैं, मैं आप सबको नमन करना चाहता हूं, क्योंकि 2012 और 13 में मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, और यहीं से पढ़ाई करके मैं आगे पत्रकारिता और एकेडमिक्स में आगे बढ़ा हूं। मित्रों, एक मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग को एक बधाई मैं और देना चाहता हूँ, क्योंकि जो विषय का चयन किया गया है आज वो बहुत प्रासंगिक है। हम हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बहुत सारे विषय ढूंढते हैं, लेकिन रयाल जी ने एक शब्द प्रयोग किया है कि विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। ये मोदी जी का संकल्प नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का संकल्प है, और जब संपूर्ण राष्ट्र का संकल्प होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस संकल्प को मेटेलाइज करने की जिम्मेदारी संपूर्ण राष्ट्र की होती है, और संपूर्ण राष्ट्र के जितने अंग हैं उन सब की जिम्मेदारी है। मीडिया भी राष्ट्र का हिस्सा है। मीडिया की जहां तक बात है, अगले वर्ष हम उदंत मारतंड यानी हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष मना रहे होंगे, और ये 200 वर्ष वास्तव में आत्मावलोकन करने का समय है। मैं मानता हूं कि भारत में पत्रकारिता ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है, राष्ट्र जागरण में भूमिका निभाई है। लोग मीडिया में तमाम तरह की कमियां निकालते हैं। मैं मानता हूं कि जो काम करता है समीक्षा उसी की होती है, जो काम नहीं करता उसकी क्या समीक्षा होगी। और जब कोई काम करता है, मीडिया ने जब इतने वर्षों तक काम किया है भारत में, तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आत्मावलोकन में उस कमी को हम पहचान कर उसे दूर कर सकते हैं। आज वास्तव में केजी सुरेश जी को हम सुनेंगे, उनके पास हमेशा नए विचार रहते हैं, लेकिन दो तीन बिंदुओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अगर हम आत्मावलोकन की बात करें, समीक्षा की दृष्टि से बात करें, उदंत मारतंड 30 मई 1826 को शुरू हुआ था, और उसका जो प्रथम संपादकीय था उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ था, यह उदंत मारतंड। अगर आप उस संपादकीय को पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, इस उदंत मारतंड का प्रकाशन हिंदुस्तानियों के हित के हेत, हिंदुस्तानियों के हित के हेत, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। अब सवाल वही है कि जब हम 200 वर्ष की समीक्षा करने की बात करेंगे और 2047 के लिए हम विकसित भारत का जब संकल्प करेंगे, तो मुझे लगता है बात यहीं से आरंभ करनी चाहिए कि हिंदुस्तानियों के हित के हेत जिस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, और जिस हिंदी मीडिया ने स्वाधीनता संग्राम में और उसके बाद देश के विकास में बहुत सशक्त भूमिका निभाई है, चाहे शिक्षा का जागरण हो, चाहे लोकतंत्र को मजबूत करना हो, हर दृष्टि से हिंदी मीडिया ने, और जो भारत का भाषाई मीडिया है उसने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि अगर आप समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेजी मीडिया ने स्वाधीनता आंदोलन में भी एक अलग राह ली थी, और उसके बाद भी उसकी राह थोड़ा जुदा रहती है, लेकिन जो भारत का भाषाई मीडिया है वो जमीन से जुड़ा मीडिया है, वो देश से जुड़ा हुआ मीडिया है, वो जनमानस से जुड़ा हुआ मीडिया है, और जनमानस के मुद्दों को, समस्याओं को, सबको वो जबान यानी स्वर प्रदान करने वाला मीडिया है। हिंदी मीडिया भी उसमें से एक है। तो एक दो तीन विषय मैं सोचकर आया हूँ जिन पर आज चर्चा करना मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम उन पर थोड़ा मंथन करें। अगर हम मीडिया की बात करें 200 वर्षों की,
तो हमें ऐसा लगता है कि इनमें बहुत सारा अच्छा काम मीडिया ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा स्वत्व का भाव था, जो आत्मगौरव का भाव था, उसे जो स्वर प्रदान किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हम भूल गए हम क्या थे और क्या हमें बनना है। हम 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इस समाज के, देश के स्वत्व को जगाने में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एक बार विचार करना चाहिए। एक दूसरी बात और, आज आप कोई भी समाचार पत्र उठाइए, कोई भी वेब पोर्टल खोलिए, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, डिजिटल मीडिया की आज बात हो रही है तो इसलिए मैं ऑनलाइन पोर्टल्स की भी बात कर रहा हूँ, तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस बेसिकली वही बनती है जिसमें नकारात्मकता होती है। यहाँ मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का एक उन्हें स्मरण करना चाहता हूँ। 2007 में दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था रामनाथ गोयन का अवार्ड प्रदान करने के लिए, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था 1999 की। उन्होंने कहा कि 1999 में मैं तेल अवीव गया था, तेल अवीव में जब मैं होटल में पहुंचा तो समाचार मिला कि लेबनान बॉर्डर पर हमास ने हमला किया है और काफ़ी कैजुअल्टी हुई है, सैनिक भी मारे गए हैं और नुकसान हुआ है। आप सोचिए कि इसराइल में हमला होता है, कैजुअल्टी होती है और नुकसान होता है और इसराइल उसका कैसे जवाब देता है आप सब जानते हैं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। कलाम साहब ने कहा कि अगले दिन जब मैंने सब अखबार उठाकर देखे, ये जो मैं घटना सुना रहा हूँ आप अभी गूगल कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर पड़ी हुई, उनका पूरा भाषण पड़ा हुआ है, वीडियो भी है और रिटर्न भी है। तो कलाम साहब कहते हैं कि अगले दिन जब मैंने अखबार सारे उठाकर देखे, किसी भी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर उस आतंकी हमले की खबर नहीं थी, न फोटो था। आप कल्पना कीजिए अगर भारत में इस प्रकार की कोई घटना घटी होती तो नेशनल मीडिया छोड़िए सब मीडिया में फ्रंट पेज पर वही हेडलाइन होती और वही डिस्ट्रक्शन शो करता हुआ फोटोग्राफ होता है। लेबनान, वहाँ इसराइल में ऐसा नहीं हुआ। कलाम साहब कहते हैं कि इसके विपरीत जो अखबार में लीड खबर थी वो थी कि वहाँ पर एक किसान ने रेगिस्तान में किस प्रकार सब्जियाँ और फल उगाए हैं उसकी सक्सेस स्टोरी, यानी एक किसान की सक्सेस स्टोरी मुख्य पृष्ठ पर थी। कलाम साहब का कहना था कि हमारे किसान की, हमारे देश में जो दूसरे वर्ग हैं उनकी सक्सेस स्टोरी मीडिया में हेडलाइन क्यों नहीं बनती। हमारे देश के जितने नेशनल मिशन हैं, राष्ट्रीय जो मिशन है हमारे देश में, वो किसी एक सरकार के बनाए हुए नहीं हैं, वो इस देश के, इस राष्ट्र के बनाए हुए हैं, वो राष्ट्र के संकल्प हैं। उन सब संकल्पों की पूर्ति के लिए क्या मीडिया की भूमिका नहीं होनी चाहिए? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया बिल्कुल, मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ मीडिया को, लेकिन आत्मावलोकन की जब हम बात करें तब मैं ये विषय उठा रहा हूँ। एक विषय मैं आपको उठाता हूँ, हमारे देश में समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में प्राय माना जाता है हम उन्हें समाज का हिस्सा मानते भी नहीं हैं। वो वर्ग है नोमेडिक ट्राइब्स, घुमंतु जनजातियाँ। उत्तराखंड में भी कुछ घुमंतु जनजातियाँ हैं लेकिन उनकी समस्या शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्यों में जब आप जाएंगे वहाँ घुमंतु जनजाति होने का मतलब है कि आपके पास ना राशन कार्ड है, ना वोटर आई कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना रहने के लिए मकान है, जगह है। आप दर बदर पूरा जीवन, सड़क से जीवन शुरू होता है, सड़क पर समाप्त हो जाता है और पुलिस रिकॉर्ड में उनके प्रत्येक सदस्य का नाम जन्मजात अपराधी के रूप में लिखा हुआ है। उनके परिवार में उनके यहाँ पैदा होने वाला एक दिन के बच्चे का नाम जिस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर में लिखा जाता है क्रिमिनल बाय बर्थ के रूप में उसका नाम लिखा जाता है। और हमारे देश में ऐसे घुमंतु जनजातियों की संख्या कई करोड़ है। अब सवाल यह है कि अगर कोई संगठन, कोई व्यक्ति उन लोगों में स्वाभिमान का जागरण करने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उन्हें एक स्थान पर स्थापित करने के लिए, उनके वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए, उनके आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रयास करता है,
तो क्या खबर नहीं बननी चाहिए? क्या आपने ऐसी खबर पढ़ी है? ये भी आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आत्मावलोकन जब हम कर रहे हैं तो ये चीज़ें डिजिटल मीडिया हो चाहे कोई सा भी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, सबके लिए एक ये सोचने का सवाल है कि समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिन्हें स्थान नहीं मिला है। जब तक हम उन्हें स्थान नहीं देंगे तो आज का जो विषय है विकसित भारत एट 2047 का संकल्प, ये विकसित भारत का संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा जब तक समाज के उन सभी वर्गों को हम वो मुख्य धारा में शामिल नहीं करते। आज हमारे देश में आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, सब प्रकार की बात होती है, लेकिन एक दूसरा मैं कुछ ही मिनट में अपनी बात संपन्न करूंगा क्योंकि हम केजी सुरेश जी को सुनना चाहते हैं। आपने एक और देखा होगा कि सड़क पर शहरों में खासतौर से ज़्यादा होता है, गाँव में कम होता है, बस अड्डे पर, मंदिर के बाहर, रेलवे स्टेशन पर कुछ मानसिक रोगी पड़े रहते हैं। वो इतनी बुरी हालत उनकी होती है कि ना वो मांग कर खा सकते हैं ना छीन कर खा सकते हैं, उनके शरीर में जख्म है तो उन्हें मालूम नहीं है। और ऐसी अवस्था में अगर कोई महिला है ऐसे स्थान पर तो उसके पास उसके साथ जो गलत काम होता है वो सब होता है। अगर कोई एक व्यक्ति और संस्था उन सब मानसिक रोगियों को इकट्ठा करके एक स्थान पर उनका इलाज करते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें फिर से अपने परिवार से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये खबर नहीं है? क्या उस समय हमारे देश में 2017 में रामनाथ कोविंद जी ने निमहंस बेंगलोर में एक भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने 2016 के एक सर्वे को कोट किया था जिसमें कहा गया था कि हमारे देश में 13 करोड़ लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। 2017 की बात कर रहे हैं और कोविड के बाद ये संख्या कितनी बढ़ गई होगी और आने वाले समय में इसकी संख्या क्या बढ़ने वाली है। तो ये एक ऐसी समस्या है, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें अभी जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, उन्हें हम पहचान कर यदि उनकी समस्याओं को हम उजागर करें यानी मीडिया उजागर करे, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इस देश को यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए मैं दो बिंदु सिर्फ ये पुनः स्मरण करा रहा हूँ। आत्मगौरव, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बातें पंच प्रण की जो बात की है उन्होंने कहा कि दासता की मानसिकता से मुक्ति चाहिए। आत्मगौरव का भान जब हमें होगा, जब स्वत्व की पहचान हमें होगी, तब हम निश्चित रूप से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प में अपना सहयोग दे पाएंगे। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कि उन्होंने आज मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। आप सबका बहुत बहुत आभार।